ये पूरी दुनिया जो हम देखते हैं वो वैसे नहीं काम करता जैसा कि हम चाहते हैं। हम सिर्फ उसको समझने का काम करते हैं, पर जब जब हमने उसको बदलने की कोशिश की है तब तब कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उसमें से कई प्रॉब्लम्स तो बीमारी के रूप में सामने आती है। हम उस बीमारी से बचने के लिए मेडिसिन तो खोज लेते हैं, पर वो उतना कारगर नहीं होता जिससे सभी लोग हेल्दी हो सकें। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, कुछ लोग बिना मेडिसिन लिए हेल्दी कैसे हो जाते हैं? जब हम अनहेल्दी यानी बीमार हो जाते हैं तो हम मेडिसिन लेते हैं और ठीक भी हो जाते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि बिना मेडिसिन लिए ही ठीक हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि मेडिसिन लेने के बावजूद भी ठीक नहीं होते। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी में एक ऐसी ताकत, एक ऐसी पावर होती है जो कि बिना किसी मेडिसिन के हेल्प के ही हमारे अंदर आने वाले सभी बीमारियों को दूर कर देता है। जो हिडन पावर हमारे बॉडी में होती है वो IS यानी इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता होता है। अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है तो हम हेल्दी रहते हैं हर कंडीशन में। अब बात आती है कि ये इम्यूनिटी होता क्या है। चलिए जानते हैं क्या होता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज अवर बॉडीज एबिलिटी टू फाइट टॉक्सिन्स। दिस टॉक्सिन्स कैन बी बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, पैरासाइट्स और एनी अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो यह हमें न सिर्फ सर्दी और खांसी से हमारा बचाव करती है, बल्कि हेपेटाइटिस, लंग इन्फेक्शंस, किडनी इन्फेक्शंस और यहाँ तक कि इस समय के सबसे खतरनाक महामारी कोरोना वायरस से भी हमारा बचाव करती है। हमारे आसपास कई तरह के पैथोजेंस होते हैं, हमें पता भी नहीं होता, और हम उन्हें खाने के साथ, पीने के साथ और यहाँ तक कि सांस लेने के साथ भी हार्मफुल सब्सटेंसेस को अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं। ऐसा होने के बाद भी हर कोई बीमार नहीं होता, और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है वे इन एक्सटर्नल इन्फेक्शन से बेहतर तरीके से मुकाबला करते हैं। हमारी इम्यूनिटी यानी हमारी प्रतिरोधक क्षमता कैसी है इस बारे में हम ब्लड रिपोर्ट से पता कर सकते हैं, लेकिन हमारा शरीर भी कई तरह से सिग्नल्स देने लगता है जिसको हम समझ के पता कर सकते हैं कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग है या वीक। ऐसे चेक करें, बार बार इन्फेक्शन होना या एलर्जी। अगर आपको लगता है कि आप दूसरों की अपेक्षा बार बार बीमार होते हैं, जुकाम की शिकायत रहती है, खांसी, गला खराब होना या स्किन रैशेस जैसी समस्या रहती है, तो बहुत पॉसिबल है कि यह आपके इम्यून सिस्टम की वजह से हो। कैंडिडा टेस्ट का पॉजिटिव होना, डायरिया, गिंगिविटीज यानी मसूड़ों में सूजन, माउथ सोर्स यानी मुँह के छाले, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है तो यह आपके खराब इम्यूनिटी के सिम्टम्स हैं। कुछ लोग जरा सा मौसम बदलते ही बीमार हो जाते हैं, यह शरीर का टेम्परेचर कम होने की वजह से हो सकता है। स्ट्रांग इम्यून सिस्टम के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्दी के वायरस 33 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाइव करते हैं। हमें अपने बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। समय पे बुखार का ना आना। जब शरीर को बुखार आनी चाहिए तो भी ना आए, इसका मतलब है कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। जब हमें बुखार आता है तो हमारी बॉडी बीमारियों से लड़ता है, और हम में से ज़्यादातर लोग बुखार की दवा खा लेते हैं, जिस वजह से बुखार हमारे लिए पौष्टिक तरीके से काम नहीं कर पाता। हम अपने बॉडी यानी शरीर को बीमारियों से लड़ने ही नहीं देते और दवा खा लेते हैं, जिसकी वजह से वो मेडिसिन ही उस बीमारी से लड़ने लगता है और हमारे प्रतिरोधक क्षमता को आलसी और कमज़ोर बना देता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दवा नहीं खानी चाहिए। आप पहले अपनी बॉडी को उस बीमारी से फाइट करने दें, फिर अगर आप हेल्दी नहीं होते तो आप दूसरे या तीसरे दिन दवा खा सकते हैं। जब तक हम अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं करते तब तक एक छोटी सी बीमारी भी हमारे लिए डेंजरस है। आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कैसे करें, तो हाँ, कुछ बातें हैं जिसको आप फॉलो करके अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं। सबसे पहले आप डेली 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए। पानी एक नेचुरल मेडिसिन है। ड्यू टू दिस मेनी टाइप्स ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड इन अवर बॉडी कम आउट। टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। जो खाना हम खाते हैं उसमें सफिशियंट अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट होने चाहिए। क्या करता है ये एंटीऑक्सीडेंट? तो हम आपको बताएं कि एंटीऑक्सीडेंट रिपेयर सिक सेल्स यानी बीमार हो चुके सेल को रिपेयर करता है एंड रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एज वाइल मेंटेनिंग हेल्थ। आपको भरपूर मात्रा में विटामिन भी लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन भी हमारे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है, और इसमें सबसे ज़्यादा कारगर होता है विटामिन सी।
क्योंकि विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम में प्रेजेंट WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल जो कि सोल्जर्स होते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर आए हुए सभी इन्फेक्शन और बैक्टीरियाज को मार को भगाते हैं, उनके अमाउंट को इंक्रीज करता है। विटामिन सी को लेने के लिए आपको साइट्रिक फ्रूट्स यानी खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए। इसमें आप लेमन ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, इस टाइप के फ्रूट्स को आपको लेना चाहिए। अब आप जान चुके हैं कि हमारे लिए इम्यून सिस्टम कितना इम्पॉर्टेंट है, तो आप पता कीजिए कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है या वीक। और हाँ, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और सब भी जान सकें कि इम्यून सिस्टम हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, उसके वीकनेस को पता कर सकें और उसको कैसे बढ़ाया जा सके, कैसे इंक्रीज किया जा सके इम्यून सिस्टम को, वो जान सके। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।